नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विथ राजनाथ के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे 17 अगस्त को रेलवे LP का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें मैथ और रीजनिंग के 24 प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें कथन निष्कर्ष के भी क्वेश्चन शामिल हैं। कल फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन कुछ कम आए थे, लेकिन जो आए थे वो अच्छे आए थे। कथन और निष्कर्ष में दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक है सिलोलिज्म से और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो मिसलेनियस आ रहा है। मिसलेनियस यानी आपको एज भी निकालना दे रहा है क्वेश्चन में, आपसे सीटिंग अरेंजमेंट भी क्वेश्चन दे रहा है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से निष्कर्ष जो हैं वो उनका उपयोग करके हम कथन को पूरा कर सकते हैं। चलिए देखेंगे आगे उस क्वेश्चन को हम लोग। चलिए देखते हैं कल आज का पहला। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि अल्फाबेट DEN M से बने तार्किक वर्ड का अंतिम लेटर क्या होगा। DEN M से बने लॉजिकल वर्ड का कोई अंतिम लेटर क्या होगा। तो पहले हमको इससे वर्ड बनाना होगा जो लॉजिक उसका हो, मतलब कोई ना कोई अर्थ निकले। तो इससे एक ही वर्ड बन रहा था, वो था MEND, मेंड। मेंड यानी सुधार होना, ठीक होना। तो जब मेंड हो गया तो इसका अंतिम लेटर क्या है, डी। तो डी हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन कि यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, 15 फरवरी 2018 गुरुवार था तो 15 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। 15 अप्रैल 2019 को होगा फ्राइडे, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा फ्राइडे। अच्छा, 15 फरवरी दिया है तो फरवरी होगा यहाँ पे। आगे देखेंगे हम कि 15 मार्च को क्या होगा। 15 मार्च को हो जाएगा, फरवरी में एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो 15 मार्च 2019 को हो जाएगा फ्राइडे ही रहेगा। फिर 15 मार्च का हम देख चुके हैं तो 15 अप्रैल 2019 को क्या होगा। तो मार्च में 3 दिन एक्स्ट्रा होता है तो हम 3 दिन जोड़ देंगे, और जब 3 दिन यहाँ जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद 2 दिन, शनिवार रविवार क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोमवार यानी मंडे। जब मंडे होगा ये 15 अप्रैल को, तो फिर बच गया हमारा 16, फिर 17 और फिर हमसे 18 पूछ रहा है। ये सोमवार था तो इस दिन हो जाएगा ट्यूजडे मंगलवार, 17 को हो जाएगा वेडनेसडे और इस दिन हो जाएगा 18 तारीख को गुरुवार। तो 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को भी गुरुवार होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि 435 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए, हमको इसका स्क्वायर पता होना चाहिए कि देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो हमको जोड़ना है तो आगे की संख्या देखेंगे। और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 35 बोल रहा है तो नेक्स्ट संख्या 441 होनी चाहिए, तो क्या जोड़ना होगा हमें, तो हमें जोड़ना होगा +6। तो +6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 441, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। चलिए आगे देखते हैं कि 6561 का वर्गमूल क्या होगा। तो अगर ये देखिए, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था सभी में सभी ऑप्शन दिए हुए थे लास्ट में 1 और 9। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर हमको तो पता है कि 80 के आसपास का वर्गमूल वर्ग कितना होगा, 80 का आस वर्ग ये हो जाएगा 6400 होगा, तो इसके आसपास की संख्या है 6561 यानी हो जाएगा 81। तो 6561 का वर्गमूल क्या होगा, 81। आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन है, यदि बी ई ए के को ई आई एफ क्यू लिखा जाए तो सेल को हम क्या लिखेंगे। देखिए बी का हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहें तो बी का दो, ई का पांच नंबरिंग कर लेते हैं, पहले से छबड़ाने का कोई तरीका नहीं है, ए का वन, के का ग्यारह, वैसे ही ई का हो जाएगा पांच, आई का नाइन, एफ का सिक्स और क्यू का सत्रह। तो हम देखेंगे दोनों में अंतर कितना हो रहा है। देखिए यहाँ हो रहा है प्लस थ्री का, पाँच और नौ के बीच में हो रहा है प्लस फोर का, एक से छः बोल रहा है प्लस फाइव, ग्यारह सत्रह कैसे हो रहा है छः बोल रहा है, मानी तीन बढ़ रहा है, चार बढ़ रहा है, पाँच बढ़ रहा है और छः बढ़ रहा है। तो वैसे ही हम सेल में करेंगे तो सेल का नंबरिंग कर लेते हैं, तो सेल का हो गया उन्नीस, ए का वन, आई का नाइन और एल का बारह। तो जितना अंतर आया उतना हम जोड़ देंगे, तो इसमें देखिए तीन जोड़ेंगे उन्नीस में, एक में चार जोड़ेंगे, नौ में पाँच जोड़ेंगे और छः में बारह में छः जोड़ देंगे, तो उन्नीस तीन हो गया बाईस, एक चार प्लस एक हो गया पाँच, नौ पाँच हो गया चौदह और बारह छः हो गया अठारह। किसका होता है तो देखिए बाईस होता है वी का, पाँच होता है ई का, चौदह होता है एन का और अठारह होता है आर का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार, नौ, बीस और चौवालीस, इसका नेक्स्ट संख्या क्या होगा। देखिए सभी लोग इसको इस टाइप से बना रहे थे, इसका ऑप्शन 96 नहीं दिया था, इसके ऑप्शन में 96 नहीं दिया हुआ था, तो हमको सॉल्व करना था। तो देखिए इसको निकालेंगे, देखिए डिफरेंस निकाल लेते हैं, चार, नौ, बीस और चौवालीस का सबसे बड़ा कि हम डिफरेंस निकाल लें, या डिफरेंस नहीं भी निकाले तो हम इसको निकाल लेते हैं कि इसके इसके बीच में क्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इंटू टू प्लस वन, नौ से बीस कैसे हो रहा है इंटू टू प्लस टू, और बीस से चौवालीस कैसे हो रहा है इंटू टू और प्लस फोर। यहाँ हमें ध्यान देना है कि इंटू तो दो हो रहा है, तो चौवालीस इंटू दो कितना हो जाएगा, चौवालीस दिन टू हो जाएगा अट्ठासी। लोग यहाँ पे कर रहे थे जनरली कि एक बढ़ रहा है, फिर दो बढ़ रहा है, फिर चार बढ़ रहा है, तो मतलब दुगुना बढ़ रहा है, एक से इंटू दो करेंगे दो होगा, दो से दो करेंगे तो चार होगा, चार से दो करेंगे तो आठ होगा, और आठ इसमें जोड़ रहे थे तो क्या हो रहा था, अट्ठासी में आठ जोड़ने पे क्या हो रहा था छियानवे, वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे, इसको हम पहले अब जो जोड़ना है उसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए इस एक और दो के बीच का डिफरेंस हो गया वन, और दो के बीच का चार का डिफरेंस हो गया दो, तो यानी एक एक संख्या बढ़ रहा है, तो इसमें एक संख्या बढ़ रहा है, इसमें दो से चार दो संख्या बढ़ा, तो आगे में जो बढ़ेगा वो हो जाएगा तीन। तो यानी इंटू टू करेंगे हम, वो करना क्या होगा, चौवालीस इंटू टू और प्लस चार प्लस तीन कितना हो गया सात, तो हो जाएगा चौवालीस दूनी अट्ठासी और प्लस सात क्या हो गया ये 95 हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि वायु, जल, दूध और मिश्र धातु में विषम को छांटना है। तो यहाँ विषम, देखिए विषम छांटने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वायु में बहुत सारा मिक्सचर है, हाइड्रोजन का मिक्सचर है, नाइट्रोजन का मिक्सचर, बहुत सारी गैसें हैं। जल में H है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, मिश्र धातु भी बहुत सारे लोगों का बना होता है, लेकिन जो दूध है यही होता है जिसमें किसी चीज का मिक्सचर नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है दूध। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन था कि तीन बटे दो में क्या घटाएं कि दो बटे तीन हो जाए। तो क्वेश्चन है कि तीन बटे दो में क्या हम माइनस करें कि क्या हो जाए, दो बटे में तीन हो जाए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि x को उस साइड ले जाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, तीन बटे में दो माइनस दो बटे में तीन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा पांच बटे में छ, यही आंसर होगा इसका। आगे क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी का औसत 16 है, मतलब कितनी संख्या है चार है, तो चार का योग कितना हो जाएगा, चार का योग हो जाएगा चार इंटू 16 64। फिर बोल रहा है ए तथा बी का औसत 9.5 हो, तो ए और प्लस बी मिलके कितनी हो जाएंगी संख्याएं, 9 दुनिया गुणा कर लेंगे 9.5 में 2 का, तो ये हो जाएगा 9 दुनिया 18 एक 19, माइनस कितना हुआ दोनों 64 19 को करने पर, ये हो गया 45,
तो पूछ रहा है सी और डी का औसत क्या होगा। देखिए सी प्लस डी का औसत निकालना है हमें, तो 45 में से 2 भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.25। कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, तो सभी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सिंप्लीफिकेशन से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 10-36 ऐसे करके था, तो पहले हम सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम सबसे छोटे कोष का काम करते हैं और उसमें जो दिया हुआ है भाग, तो इसका हम काम करेंगे। तो 4/2 का काम क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा भाग देंगे तो 2, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 15-4 दिया, 15-4 कोष का काम करने पर कितना हो गया 11। अब 14 में से 11 घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, मझोला कोष हटा तो 3 हट गया, 3 बच गया। अब है 18 में से 3 घटाएंगे, तो 18 में से 3 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, बचेगा 15। फिर है आपको मेन क्या बचा, मेन बचा 36 और माइनस 15, 36-15 कितना होता है 21, तो यही है इसका आंसर था। आगे क्वेश्चन है, अच्छा एक फिगर आया हुआ था कि फिगर काउंट करने के लिए, इजी क्वेश्चन था, हम बोलते हैं सबसे इजी क्वेश्चन यही आया होगा। तो इसमें काउंट करना कुछ नहीं, काउंट करना है इसमें कितना हो गया, ये एक दिख रहा है, यहाँ पे 2 अलग से दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 हो गया और प्लस एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो टोटल कितना त्रिभुज हो गया इसमें, 5 त्रिभुज। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 4400 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की देन से कितने समय में 4576 रुपये हो जाएगा, यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो, छमाही संयोजित हो रहा है तो देखेंगे अगर हम कि ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज हो रहा है एक घटा लेंगे, घटा लेंगे इसको तो क्या होगा 4576 माइनस 4400, तो क्या हो जाएगा 176 रुपये। तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्याज आया 176 रुपये, तो यहाँ सिंपल निकाल लेते हैं 176 × 100/2, मूलधन दिया हुआ है 4400, चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कर लेंगे 2 से भागा दे देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4। यहाँ से देखते हैं कितना हो रहा है, यहां से आ रहा है 44 × 4 करेंगे तो एक बार में कट रहा है, मतलब एक बार मतलब छमाही संयोजित हो रहा है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 माह, अगर छमाही नहीं होता तो 1 साल होता, अगर वो 4% की ब्याज देता तो यहां से आंसर हो जाएगा 6 माह। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो उससे तिगुने काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 24 दिनों में खत्म करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 = M2 D2 और H2। तो देखिए यहां दिया हुआ 16 आदमी है, 16 × 8 घंटे और × 12 दिन, यहाँ हो जाएगा एक ही काम करना है तो बटे में तो होता है W1, बटे इसको हम बाद में लेंगे क्योंकि पहले एक काम निकाल लेते हैं फिर 3 काम करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया, यहाँ निकालना है कि 8 घंटे प्रतिदिन और 24 दिनों में कितने आदमी, तो यही हमें निकालना है, तो ये कट जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, तो यहां से हमारा आ रहा है 16 × 8 × 12 = 8 × 24 × ये आदमियों की संख्या हमें निकालनी है, तो ये 8 से कट गया, ये 12 से 2 कट गया और 2 से कट गया 8, तो यहां से कितने आदमी हो गए, 8 आदमियों की संख्या हो गई। 8 आदमी चाहिए एक काम करने के लिए, 8 आदमी चाहिए एक काम करने के लिए, ये लेकिन बोल रहा है कि 3 काम करना है हमें, तो तिगुने काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, सिंपल इसमें 8 से हम
गुणा कर देंगे तो 8 इंटू हो गया 3, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी तो 24 आदमियों की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि कोई नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, तो उसमें एक छिद्र होने के कारण टंकी 8/3 घंटे में भर सकता है। 8/3 का मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था, जिस तरह से क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि 2 पूर्णांक 2/3 घंटे में, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो बताएं कि भरी टंकी को छेद करने में छेद्र के द्वारा कितने समय में खाली किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि दोनों को गुणा कर दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला होता है a इंटू बी और बटे में होता है a माइनस बी, उसी फॉर्मूले में हम देखेंगे इसको। 2 × 8/3 और पूरा का बटा हो गया, वैसे भी 8/3 और माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 16/3, सॉल्व करेंगे तो इसको हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16/2 और यहाँ से हो गया कट के 8। तो ये कितने देर में भरी टंकी छिद्र द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज से क्वेश्चन था कि चक्रीय चतुर्भुज में इस टाइप से क्वेश्चन था, क्वेश्चन मुझे पूरा सॉल्व मिला नहीं है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज और ट्रिगो मिला के क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को देखिए किस तरह से टफ किया है क्वेश्चन को। वैसे भी ट्रिगो ही लोगों के लिए टफ होता है, या चक्रीय चतुर्भुज भी आ जाए तो थोड़ा सा टफ ही माना जाता है, लेकिन उस दोनों को मिला के किया है तो क्वेश्चन को थोड़ा टफ भी रखा है। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन को ईजी डाला है, कुछ क्वेश्चन ईजी भी डाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन था sin 30° बटे में 1+cos 30° +1+cos 30° और उसके बटे में 30°। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू पुट करना है। सब साइन 30° का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसके पूरे बटे में हो गया 1+cos 30° का वैल्यू होता है √3/2, और इसको हो जाएगा यहाँ से 1+√3/2 और बटे में 1/2। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका हम लोग। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2+√3, यानी हो जाएगा 1/2 और प्लस यहाँ से, और सब कट कूट जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2+√3 और बटे में 2+√3 यहाँ हो जाएगा 1। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर जो आ रहा है वो चलिए आगे देख लेते हैं इसको हम थोड़ा सा, इसको ले लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा भागे में 2+√3 तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये जो आ रहा था हमारा, तो उसको हम क्या कर लेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2+√3 और यहाँ से हो जाएगा 1+4+3+4√3। तो देखिए यहाँ आगे क्या होगा 8+4√3 और बटे में 2+√3, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 4 कॉमन होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा ऊपर में 2+2√3 और बटे में भी वही होगा, तो ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 4। लोगों को प्रॉब्लम कर रहा था लेकिन यहाँ पे सिंपल वैल्यू डालने से ये आंसर आ जा रहा था इसका। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, किसी टंकी को ए अकेले 18 घंटे में, देखिए ए कितना में कर रहा है, ये अकेले 18 घंटे में, बी कितना कर रहा है, बी 27 घंटे में, क्वेश्चन आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, और सी इसको खाली कर रहा है, सी इसको खाली कर रहा है कितने में, तो 45 घंटे में। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 270, तो 270 यूनिट काम करना है, और ये हो गया 18 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15, ये 27 से करेंगे तो 10 और 45 का हो जाएगा 6।
मतलब दोनों भर रहे हैं ए बी, और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब हमें बोला गया है कि ए प्लस बी को, ए प्लस सी को एक साथ खोल दिया गया और बाद में ए को बंद करके बी को चालू कर दिया गया, यानी बी प्लस सी को एक साथ खोल दिया गया। तो देखिए, यानी हम ये चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि ए प्लस बी एक साथ, ए प्लस सी एक साथ कार्य कर रहे हैं और दूसरे साथ कौन काम कर रहे हैं, बी प्लस सी काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सी तो 55 घंटा काम किया है एक साथ, यानी 55 घंटा सी काम किया, तो सी ने टोटल काम कितना किया, 55 इंटू 6, तो हो गया 55 इंटू 6, तो ये हो गया 330 का। यहां से सी ने कितना काम किया, सी ने किया 330 काम, यानी 330 यूनिट ये खाली किया। टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता है 270, यानी टोटल मिला कितना हो रहा है 600, मतलब 600 काम करना है ए प्लस बी को, ए प्लस बी को मिलके कितना काम करना है 600 यूनिट काम करना है। अब जब 600 यूनिट काम करना है तो जो इस यहाँ ऑप्शन देखेंगे, जो क्वेश्चन में ऑप्शन था लोग जैसे बता रहे थे उसमें था कि बी के लिए निकालना है, तो बी का ऑप्शन एक 55 भी था। तो अगर हम देखते हैं कि अगर बी 55 घंटे काम करता है तो बी का काम कितना है, एक घंटे का, बी एक घंटे में कितना यूनिट काम करता है, तो बी करता है 15 यूनिट। तो बी का 55 नहीं, सॉरी यहाँ 45 दिया हुआ था, यहाँ था 45। तो अगर देखें कि B एक घंटे में कितना काम करता है, B के एक घंटे का काम हम जो निकाले हैं उसमें निकाले हैं B का 10, तो 45 घंटे में कितना काम किया, ये करेगा टोटल 450। अगर ये 450 करेगा तो हम ये देखे हुए हैं कि टोटल 600 काम है, बचा कितना काम, 150 काम। सी द्वारा 600 काम किया गया है तो बचा 150 काम, और 150 काम को 45 घंटे बी काम करता है, यानी ए को कितना काम करने का मौका मिलेगा, 10 घंटा, तभी दोनों मिला के 55 होंगे। जब ये 55 होंगे तो एक 10 घंटे में कितने काम करेगा, एक एक घंटे में कितना, 15 यूनिट काम करेगा, 10 घंटे में कितने काम करेगा, 150, और दोनों मिला के 600 हो रहा है ना। इसका मतलब ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि बी 45 घंटे तक बी को चालू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन इजी था कि 60 का 15% निकालते हैं, देखिए 60 का 15% तो आप आराम से निकाल सकते हैं कितना होगा। और क्वेश्चन बोला था कि किसका 45% के बराबर होगा, तो यही निकालना था, क्वेश्चन इजी था। यहाँ से ये हो गया, इधर आ जाएगा तो 45 बटे में 15, 3 और ये 3 हो गया 20, तो कितना होगा, यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे 20। देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन अब आया है, देखते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन इजी था ये वाला कि कुछ बड़े पलंबर हैं और कुछ पलंबर तिहाड़ी मजदूर हैं, तो ये कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ बड़े पलंबर है तो ये बढ़ई हो गया और ये हो गया पलंबर, ये बढ़ई हो गया, ये हो गया पलंबर। बोल रहा है कि कुछ पलंबर तिहाड़ी मजदूर भी हैं, कुछ पलंबर, इसको हम ऐसे ले लेंगे, कुछ पलंबर तिहाड़ी मजदूर हैं, इसको यहाँ साफ बना लेते हैं, मतलब तीनों के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए ये हो गया बढ़ई, ये हो गया पलंबर और ये हो गया मजदूर। क्वेश्चन इजी था, एकदम रिपीट उल्टा कर दिया था। इसका निष्कर्ष क्या है, कुछ पलंबर बढ़ई हैं, निष्कर्ष दे रहा है कि क्या कुछ पलंबर बढ़ई हैं, तो हाँ ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट पलंबर और बढ़ई दो रहे हैं तो कुछ में सही हो जाएगा, तो पहला हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कुछ मजदूर पलंबर हैं, देखिए ये वाला पार्ट क्या है, पलंबर और मजदूर दो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका हो जाएगा कि निष्कर्ष एक और दो दोनों फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आम संतरा नहीं है, इसको हम कैसे बनाएंगे, कोई आम संतरा नहीं है, कोई भी आम संतरा नहीं है, ये हो गया आम और ये हो गया संतरा। फिर बोल रहा है इन दोनों के बीच में नहीं का रिलेशन लगा हुआ है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई सेब, कोई सॉरी कोई संतरा सेब नहीं है, कोई भी संतरा जो है सेब नहीं है, लेकिन
तीसरा में क्या दिया हुआ है, कुछ सेब आम है। तो देखिए कुछ सेब क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे सेब और इस कुछ इनके बीच कुछ का रिलेशन है। सेकंड बोल रहा है कि कोई संतरा आम नहीं, तो संतरा और आम के बीच में भी नॉट का रिलेशन है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन की निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई सेब आम नहीं है। देखिए आम और सेब तो दोनों आपस में कॉमन है, तो कुछ कोई सेब आम नहीं है ये निष्कर्ष गलत दिया हुआ है, ये सही होगा मतलब कोई सेब आम तो है। दूसरा है कि कोई सेब संतरा नहीं है, तो वैसे भी देखिए सेब और संतरा के बीच में नॉट का रिलेशन पहले से ही है, तो कुछ भी हम कर लें कहीं भी एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करेंगे तो भी हम इसको सेब को संतरा के बाहर घुमा सकते हैं, संतरा के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो कोई सेब संतरा नहीं है ये निष्कर्ष सही है। तीसरा है कुछ संतरा सेब है, तो देखिए संतरा के बीच और सेब के बीच में नॉट का रिलेशन है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे है कुछ संतरा आम है, तो देखिए संतरा और आम के बीच भी नॉट का रिलेशन है तो कुछ होने का संभावना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा ये भी गलत। तो इससे सिर्फ एक ही सही हो रहा है, कोई सेब संतरा नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दे रहा है कि पी की, अच्छा देखिए क्वेश्चन इस तरह से था कि पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो हम इनको एक पंक्ति में बैठाने के लिए कौन कौन से कथन की आवश्यकता है। ऑप्शन था कथन एक की आवश्यकता है, दूसरा था कथन दो की आवश्यकता है, तीसरा था कि दोनों की आवश्यकता है, और चौथा था कि दोनों की आवश्यकता दोनों से भी पूरा नहीं हो पा रहा है, ये तरह से था। तो देखते हैं कि पी तथा टी के बीच में यस बैठा है, इसको हम कैसे बनाएंगे, पी और टी के बीच में यस बैठा है, इसमें यही होता है कि जितनी पॉसिबिलिटी है उसको हम फॉलो कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस तरह से बैठा सकते हैं, तो या तो ऐसा भी तो हो सकता है टी और एस के, टी और पी के बीच में यस बैठा है, दोनों में से क्या होगा हमारा एक सही हो गया और एक क्या हो जाएगा गलत। दूसरा कथन है कि टी के बाईं ओर क्यू बैठा है, देखिए इस वाले में हम बाईं ओर नहीं बैठा सकते हैं, तो ये यानी ये हमारा गलत था, यही हमारा सही है, तो टी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो देखिए इस दोनों कथन के द्वारा भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, पंक्ति में नहीं बैठा पा रहे हैं, क्योंकि आर का रिलेशन नहीं पता है हमें, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हुआ कि कथन एक तथा दो दोनों के द्वारा भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम की आयु निकालने के लिए किस कथन की जरूरत है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस सब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जरूरी है कि सिलोलिज्म से ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकते हैं। आएगा क्वेश्चन है कि राम की आयु निकालने के लिए किस कथन की आवश्यकता है, तो देखिए कथन क्या हुआ है, राम अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, सिर्फ इससे तो नहीं निकलेगा। दूसरा है, सॉरी गलत टाइप हो गया, ये राम है, राम की बहन का जन्म यहां भी गलत टाइप हो गया, 1974 में हुआ था, राम की बहन का जन्म 1974 में हुआ था, और तथा वह राम से 10 वर्ष बड़ी है। देखिए बहन का उम्र 1974 में हुआ था, तो राम का उम्र कब हुआ, 10 वर्ष बड़ी है तो 1984 में, और यहां से क्वेश्चन निकालना था कि राम की आयु निकालना है, तो राम की आयु यहां से निकल गया कि कब हुआ, 1984 में। तो अब हम यहां से ये बता सकते हैं कि कथन एक और कथन दो दोनों की सहायता से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये होगा। देखिए एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी था, और इसका क्वेश्चन इस टाइप से था कि एक कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट बिंदु कुछ यहाँ पे दिया हुआ था और कुछ यहाँ पे दिया हुआ था, एक यहाँ था, तो बोल रहा है कि इस कोऑर्डिनेट में जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रमिति निकालना है, तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन भी आप लोग देख के जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन था एक कि एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था, और ये जो क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने बहुत सारे लोगों से पूछा तो बहुत कम लोग इसको सॉल्व कर पाए थे, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो था। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपडेट विथ राजनाथ चैनल के द्वारा अगर कोई भी वीडियो आपको अपडेट कराया जाता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।